परंतु आपको मैं एक बात बताता हूँ, हम सबके पास भी एक ऐसा मित्र होता है, बस हम उसे पहचान ही नहीं पाते, वो है दर्पण। दर्पण के समक्ष खड़े होकर आप स्वयं से पूछिए कि यदि आज आपका अंतिम दिन होता तो क्या वही करते हैं जो आप कर रहे थे। आपको उत्तर मिले या ना मिले, परंतु आपके दिशा अवश्य बदले। इसलिए आपसे अतिरिक्त आपका सबसे घनिष्ठ मित्र, सबसे अच्छा मित्र कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ सहन करना भी चाहिए, क्योंकि हमें भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है। ये मौत भी बड़ी अजीब चीज है। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले तो हमारे हाथ में है, जिसमें हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकती है। हर चीज अपने वक्त पर, बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। ये जिंदगी है, यहाँ पीठ पीछे छुरा मारने वालों को निर्दोष और भरोसा करने वालों को दोषी मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं। ऐसे में हम कई बार छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं, वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा, जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दाव लगाता है, और ये भूल जाता है कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिरो तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीतते हैं तो जीतने की भूख बढ़ जाएगी। यदि आप कुछ हार बैठे हैं तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को यह आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ हो, अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपने धर्म और अपना कर दायित्व सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। अगर कुछ जुए में जीता भी तो वो उतना ही जिक्र खो दोगे, क्योंकि उसे परिश्रम से नहीं पाया गया है और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। एक गांव में कालसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर नहीं डाला बैठकर सोचता रहता कि किस तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन हुआ, यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंचकर वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन जैसी ही हुआ पैर पर चढ़ा, भाग का मालिक वहां पहुंचा। भाग के मालिक को देख भाल से आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते हुआ गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में लोमड़ी कैसे बच गई? इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ? जिज्ञासा में हुआ एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब लोमड़ी के साथ क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे, लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही, शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आरसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था।
शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था जिसे उसने के सामने गिरा दिया। लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को खाने लगे। थोड़ी देर बाद सिर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्व सर्व है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध करके रखा है। वो अपने घर लौट आया। घर आकर वो 3 से 4 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े तो उनके पास गया और जंगल का सारा वरदान सुनाते हुए बोला, बाबा जी,